गणतंत्र दिवस पर पेहवा में राज्य मंत्री संदीप सिंह का विरोध करने वाली सोनिया दोहन हमारे साथ हैं। क्या वजह रही, क्यों इन्होंने इस तरह का जो प्रदर्शन करने का एक तरह से ज़रूरत पड़ी, क्या वजह रही, क्यों आप गणतंत्र दिवस पर पहुंचे और इस तरह का आपने जो जोखिम उठाने की क्या जरूरत? आप सबको पता है संदीप सिंह पे कितने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। एक हमारी जो जूनियर कोच है, हमारी बहन ने उन पे कैसे कैसे आरोप लगाए हैं और बहुत सारी चीज़ें सिद्ध भी हुई हैं, और उन पे ऐसे आरोप होते हुए वो किस तरीके से झंडा फहरा सकते हैं। हमारा झंडा बहुत पवित्र है, हमारे सारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके खून से सींचा हुआ झंडा है। हमारे तिरंगे में हर अंश में हमारे एक फ्रीडम फाइटर का खून है। वो किस हक से उस झंडे को छू सकते हैं जब वो खुद इतने अपवित्र हैं। उनका खुद का जमीर ये बोलना चाहिए, चलो सरकार ने तो अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी के उसमें वहम में वो ड्यूटी लगा दी, उन्हें खुद को शर्म नहीं आई कि वो ऐसी चीज़ें ना करें जो जमीर ही गवाही ना देता हो। अरे भाई, जब आप पे इतने बुरे बुरे केसेस लगे हुए हैं, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आपका मतलब कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण उनके हाथों से नहीं होना चाहिए था, यही आपकी एक तरह से पीड़ा थी उस वक्त? आज भी यही है। ऐसा आदमी या ऐसा कोई भी, चाहे वो संदीप सिंह हो या कोई भी, ऐसा आदमी झंडे को हाथ कैसे लगा सकता है जिसपे इतने गंभीर आरोप हैं। वो खुद इतना निहायती घटिया है, उसपे इतने घटिया घटिया आरोप लगे हुए हैं, इतना अपवित्र है, वो कैसे उस झंडे को सुन सकता है। सोनिया जी, इससे पहले भी मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं कि अनर्गल एक तरह से आरोप है, उस पर क्या कहना है आपका, क्योंकि जब वो ऐसा मान रहे हैं तो? मने ना जी, वैसे तो मजाक का हंसी का ये टाइम नहीं है ना, मैंने आ रही, पर मैंने एक आगरा ना आदमी तंग होकर आप पे आप हंसने लग जा रहा है, मैंने उसा टाइम मैंने ये भी इस बात पे लग रहा है। एक सीएम जो इतने बड़े पद पे बैठा है वो ये बात कहे, एक प्रदेश का मुखिया जब यह बात कहे है कि एक पीड़िता जो सरकारी नौकर है उसका कोई राजनीतिक कारण नहीं हो सकता, उसका कोई सामाजिक कारण नहीं हो सकता, उसका कोई नौकरी का कारण नहीं हो सकता, उसके पास सारी चीजें थी, वो ऐसे आरोप, अनग्रल आरोप कैसे, मतलब बकवास बातें कैसे कर सकती है? और मुखिया हो के आप अगर ये बात बोल रहे हो तो आपके अफसर क्या सोचेंगे कि मतलब वो बकवास ही साबित करनी है? तो जांच प्रभावित होगी? बिल्कुल हो रही है। क्या हुआ है जांच में अभी तक? कुछ नहीं हुआ है, प्रभावित होनी थी और हो रही है। तो जिस वक्त राष्ट्रगान हो रहा था उस वक्त क्या जरूरत थी ये सब करने की? आपने किस वक्त किया राष्ट्रगान, कब चल रहा था, क्या? जब मैंने मेरा क्वेश्चन पूछा वो ध्वजारोहण करना शुरू कर रहे थे, रोकने के लिए क्वेश्चन पूछा, और जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तब मेरे साथ मारपीट हो रही थी, मेरे देश का राष्ट्रगान चल रहा है और मुझे उनके गुंडे और उनकी पुलिस पीट रही है, मैं कैसे करूंगी? वो तो उल्टा मेरे साथ बर्बरता कर रहे हैं, मेरे साथ मार पिटाई कर रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। और होना ये चाहिए था संदीप सिंह को राष्ट्रगान या ध्वजारोहण तब तक नहीं करना चाहिए था जब तक वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देता था। आपने पूछ लिया था क्वेश्चन? मैंने पूछ लिया था, मेरा क्वेश्चन हो गया था, लेकिन सवाल का जवाब देने की बजाय उन्होंने इशारा करके पुलिस के गुंडों को भेजा और फिर अपने गुंडों को भेजा। तो क्या, कौन लोग थे, क्या पहचान की गई है उनकी? हमें एक आदमी हैं जो सरदार जी हैं उनकी पहचान हो गई है, लेकिन एक आदमी की पहचान हमें नहीं हो पाई है, कृपया पुलिस करे। वो एक सरकारी कोई कोच हैं, लेकिन हमें उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो आदमी पूरी तरह से संदीप सिंह के हाथ की कठपुतली है। तभी तो उसने मुझे पूरे प्रकरण में उसने मुझे पकड़ के रखा, और सरदार जी ने तो क्या क्या ही किया आप लोगों ने देखा। तो आप क्या चाहते हैं, आप पुलिस में कंप्लेंट देंगे आपके खिलाफ भी? आप बता रहे हैं कि कोई मामला इस तरह का झंडे का अपमान करने का बना। देखिए जी, मैं तो मेरी कंप्लेंट दूंगी, मेरे खिलाफ उनको जो करना है वो करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहती हूँ, वहाँ पे सबसे रिस्पॉन्सिबल आदमी सरकार ने उस संदीप सिंह को बना के भेजा था, और झंडा वो फहरा रहा था, मैं नहीं फहरा रही थी। मैंने उससे क्वेश्चन किया था, ये उसका अधिकार बनता था पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दे, तब झंडा फहराए और तब राष्ट्रगान करवाए। मेरी मार पिटाई करवा रहा है इशारे कर करके, और साथ में राष्ट्रगान बजवा रहा है, तो किसने अपमान किया,
किसने राष्ट्रगान का और किसने झंडे का अपमान किया, ये आप खुद सोच सकते हैं। आप सब लोग शाणे हैं, सब सोच सकते हैं। इस पे कौन कौन आपके साथ है, इस पूरी की पूरी जो लड़ाई अब है, इसमें कौन कौन संगठन हैं, कौन से खापे हैं? सारे मेरे साथ खड़े हैं जी, मेरी खापे भी खड़ी हैं। उस दिन जीन से मैसेज आ गया था महापंचायत से कि अगर हमारी बेटी को नहीं छोड़ा गया और उस पर पर्चा दर्ज हो गया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आ जाएंगे। तो जब उतने बड़े मंच से मेरे लिए मैसेज आ सकता है, मेरा सारा हरियाणा खड़ा है, मेरी स्पेशली मेरी बाण सारी खड़ी हैं। सोनिया धुन खापों के साथ इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने का दम भर रही है। रणदीप रोड, पंजाब के सिटी वी कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।